फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है हम कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करें जिसका सेटलमेंट माने अल्टीमेट पैसों का लेन देन वो फॉरेन करेंसी में हो। अगर ऐसा होगा तो उस ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे इट इज ए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। जैसे एक्सपोर्ट, क्या होता है एक्सपोर्ट और क्या फर्क है नॉर्मल डोमेस्टिक सेल में और एक्सपोर्ट में? एक्सपोर्ट में सामान बाहर जाता है, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जाता है, माने बायर फॉरेन कंट्री का बंदा होता है। और डोमेस्टिक सेल में हम भी जिस कंट्री के हैं बायर भी उसी कंट्री का है। और क्या फर्क है एक्सपोर्ट में और इंडियन सेल में? यस, इंडिया का इंटरनल सेल जो होता है, जो हम लोग किसी कस्टमर को देते हैं, वो INR में होता है, वो INR में होता है। इंडियन नेशनल रूपी में वो मतलब जिसको बोलते हैं ना कि डिनोमिनेटेड होता है। क्या वर्ड बोलिए? डिनोमिनेटेड मतलब सेटलमेंट में आपको रुपया मिलेगा अगर आप इंडिया में माल बेचते हो तो, और अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो सेटलमेंट में आपको डॉलर मिलेगा अगर आप अमेरिका में बेच रहे हो तो, अगर आप लंदन में बेच रहे हो तो आपको पाउंड मिलेगा, जर्मनी में बेच रहे हो तो हो सकता है आपको यूरो मिले। तो द आइडिया इज अगर कोई एंटिटी से ए लिमिटेड जिसका आप बुक्स बना रहे हो, अगर वो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है जिसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है, मतलब उस ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट फॉरेन करेंसी में होगा, तो फिर उस एंटिटी के ऊपर AS 11 एप्लीकेबल हो जाएगा।